Assalamualaikum. Welcome back to my channel. दोस्तों आजकल हम जिस माहौल में जी रहे हैं वहाँ पे एक डर का आंसर शामिल है। हर कोई हैरान है, परेशान है और अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर है। दुनिया के बेशतर मुल्क लॉकडाउन में हैं और इन सब की वजह एक नई बीमारी COVID-19 है। जैसा कि आप सबको पता है, ये बीमारी हमारे फेफड़ों पे असरअंदाज होती है, हमें सांस लेने की बेहद परेशानी होती है जिसकी वजह से मौत वाकई हो रही है। COVID-19 की जो सिम्टम्स हैं, उसमें सर में बेइंतहा दर्द होना, सूखी खांसी का मुसलसल होना और तेज बुखार है। दोस्तों यहाँ स्कॉटलैंड में तो इस हद तक इस बात की केयर की जा रही है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते, इवन आप हॉस्पिटल में भी एंटर नहीं हो सकते। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप कॉल करें अपने डॉक्टर को, यानी कि NHS को, वो आपसे बात करेगी, मुमकिन हुआ तो वो आपसे वीडियो कॉल भी करेगी और आपको दवा प्रिस्क्राइब करेगी जो कि डायरेक्ट आपके केमिस्ट की शॉप पे जाएगा और आपको जाके वहां से पिक करनी है। बात करें अगर हम यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोग बेहद एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर रखा है। जबकि आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी की यहाँ बेहद इंतहा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इलाका जो है स्कॉटलैंड जो है एक ठंडा इलाका है और यहाँ गर्मी बहुत ही छोटे बहुत ही कम वक्त के लिए आती है, इसलिए यहाँ के लोग गर्मी के एक एक पल को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी आजकल कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता है। एहतियात का ये आलम है कि बच्चों को घर से बाहर निकले हुए 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है और इन सब एहतियात के बावजूद UK में कोरोना वायरस की जो डेथ है वो 40,000 पार कर चुकी है। कैन यू इमेजिन दैट 40,000। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताती चलूं कि UK 4 प्रोविंस से मिलकर बनता है। प्रोविंस यानी कि सूबे, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और इन चारों सूबों के मिला के जो ऑफिशियल डेथ रेट है 12 मई तक वो 40,496 है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि यहाँ पे लोगों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तादाद बहुत ही ज्यादा है। मेरे उन दोस्तों के लिए जो स्कॉटलैंड के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं एक अलहदा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्कॉटलैंड के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो सब डालूंगी ताकि वो स्कॉटलैंड के बारे में मैं जो भी आइंदा वीडियोस डालूं वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। बहरहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ COVID-19 से होने वाली मौत की बात करते हैं। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाऊंगी, तो अब तक यहाँ पे तकरीबन 75,000 लोगों का COVID-19 का टेस्ट किया जा चुका है जिसमें से 61,800 लोगों का टेस्ट नेगेटिव निकला है और तकरीबन 13,800 लोगों का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। 13,000, ये बात मैं सिर्फ स्कॉटलैंड की कर रही हूँ। 13,800 केसेस में से 1,912 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बहुत अच्छी तादाद है। दोस्तों एक ऐसे मुल्क की जहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग बहुत एजुकेटेड है, जहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, वहां पे इतनी ज्यादा डेथ हो रही है। यहाँ पे जो ऑफिशियल लॉकडाउन था वो 23 मार्च से हुआ है और हम जैसे जो वल्नरेबल लोग हैं उनको घर में बंद हुए तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं, इसके बाद इस कदर डेथ हो रही है। और दोस्तों इन डेथ में सिर्फ आम लोग नहीं है, इनमें NHS के भी लोग हैं। NHS यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है, पूरी मेडिकल टीम जो है वो NHS में ही आती है, तो इनमें NHS के लोग भी शामिल हैं, स्कॉटिश एम्बुलेंस सर्विस के लोग और एडल्ट केयर होम के लोग भी शामिल हैं। एडल्ट केयर होम को इंडिया में हम लोग ओल्ड हाउस कहते हैं लेकिन यहाँ पे एडल्ट केयर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ये सब NHS के वो लोग हैं जिनकी अब तक डेथ हो चुकी है। और ये जो COVID-19 है ऐसा नहीं है कि नौजवानों को नहीं होता है,
लेकिन ये बूढ़े लोगों को ज्यादा हो रहा है और ऐसे लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट है कोई, या फिर किसी को कैंसर है, और ऐसे लोगों को जिनकी इम्यून सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है दवाओं के जरिए। इस पिक्चर में देखें, आप खुद देख लें कितने नौजवान हैं और कितने बूढ़े हैं, और ये सब डॉक्टर्स हैं। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, और जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। ये जो यूरोप है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी इमेज पूरी दुनिया में बहुत ही पुरेसर है, इसकी भले वो इसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या सोशल एंड हेल्थ केयर सिस्टम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में इसको नुमाया मुकाम हासिल है। ऐसे कॉन्टिनेंट में डेथ रेट कितनी ज्यादा है आप खुद सोचें। इस पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाला मुल्क है वो यूके है, और यूके में भी इंग्लैंड। इटली में जब कोरोना वायरस की का उरूज था तो पूरे मीडिया में उसके अमवात के ही चर्चे थे, जबकि उसकी इकोनॉमी जो है वो यूके के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर है। और यूके में अब तक, मैं 12 मई तक की बात कर रही हूँ, 40,500 की डेथ हो चुकी है। आप खुद देखें 10,000 लोगों का डिफरेंस है। अगर हम यूरोप के दूसरे मुल्क की बात करें तो फ्रांस में तकरीबन 26,600, स्पेन में 26,800 और जर्मनी में 7,670 डेथ हो चुकी है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूं। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूं कि आप इस बात को समझें कि हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जरा सी बेएहतियाती ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों और दीगर लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। एशियन मुल्कों की बात करें जैसे कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप हो रही है, जहां पे एजुकेशन रेट बहुत कम है, जहां पे पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा है, जहां की गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पा रही है, और तो और जहां की मीडिया भी बेकार है, वहां क्या हाल होगा। जहां के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करें और कैसे करें। भूखमरी का क्या हाल है इंडिया में, ये तो आप सब जानते हैं, इस पे तो खैर बात ही नहीं कर रहे। कोविड-19 से कोई मरे ना मरे, पर भूख से वहां पे जरूर मर जाएंगे लोग। अगर इनको खाने का सामान घर में मिल भी जाए, चलिए मान लेते हैं उनको घर में खाने का सामान मिल जा रहा है, तब भी क्या वो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे? जी हाँ, लोग उसके बाद भी निकलेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज दिमाग में ना समझ में आए कि किस माहौल में, किन हालात में आपको कैसे रिएक्ट करना है, उनको एजुकेट ना किया जाए तो वो इस चीज को समझने से कासिर है कि हमारे लिए ये चीज कितनी खतरनाक है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, ऊपर से उनकी पॉलिसीज इस मामले को लेकर किसी काम की नहीं है, और क्या ही कहने हमारे मीडिया के। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में ही हलकान है। हर एक मसले का तो हल या तो हिंदू मुस्लिम है या फिर पाकिस्तान। बहरहाल छोड़िए, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप खुद सेफ रहें, बल्कि दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश करें। जितना मुमकिन हो सके घर से बाहर ना निकलें। अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कंट्रोल करें, यानी कि उनको अपनी जरूरतों में ढालें। जितना मुमकिन हो दूसरों की मदद करें। ये ना देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वो इंडियंस हैं, वो आपका भाई है। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत है, आप इंसान बने। हिंदू मुस्लिम तो इंसान बनने के बाद की चीज है ना। और मैं अपने मुसलमान भाई बहन से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रमजान का महीना है, आप ज़कात जरूर दें। हम सब जानते हैं कि ज़कात इस्लाम के 5 सतूनों में से एक सतून है। ज़कात देना मस्ट है, जो नहीं देगा वो मुस्लिम ही नहीं, क्योंकि इस्लाम इन सतूनों पर ही खड़ा है। इसलिए ज़कात जरूर निकालें। ज़कात आपके माल में से 22.5% निकलता है, ये हर मुसलमान भाई बहन जानता है, लेकिन किसको देना है इसके बारे में बहुत सारी गलती होती है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप देख लें। और शुरुआत अपने ऐसे रिश्तेदारों से करें जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप सदकात का भी अहतमाम करें, ये थोड़ा बोनस हो जाएगा।
इसके अलावा मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जब भी ये लॉकडाउन ईज हो और आप लोगों को बाहर निकलने का मौका मिले, तो ये ना समझे कि अब तो भाई हम आजाद हो गए हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ना ना ना, हरगिज नहीं, क्योंकि अब आपको और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। जब भी आप बाहर जाएं, तो कोशिश करें कि कम से कम चीजों को हाथ लगाएं, सोशल डिस्टेंस यानी कि 2 मीटर का फासला जरूर बनाए रखें, मास्क पहने अगर अवेलेबल हो, जैसा कि यहाँ पे स्कॉटलैंड में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही है। तो खैर, अगर आपके मुल्क में अवेलेबल है तो आप जरूर पहने। और बाहर से जब भी घर में दाखिल हो तो 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं और अपना ड्रेस फौरन तब्दील करें। ये सारे कॉशन है जिसकी वजह से हम किसी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, इस पे गौर करेंगे और इंशाल्लाह अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। आप लोग अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामिर और नासिर हो।